भाई देखिए स्टूडेंट्स, टॉपर के ऊपर हजारों वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। हजारों स्टूडेंट्स उन वीडियोस को रोजाना देखते हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट्स टॉपर बन पाते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपना समय बर्बाद कर पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जिस स्टूडेंट्स ने किसी भी वीडियो को टॉपर के नजरिए से देखा है ना, वही स्टूडेंट्स टॉपर बन पाएगा। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट टॉपर जैसा डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी हैबिट्स टॉपर जैसे डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है ना, तो आपको सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, तो टॉपर की एक एक आदत को आपको आज से, अभी से और इसी वक्त से अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी आदत आप फॉलो नहीं करेंगे तो जिंदगी में टॉपर नहीं बन सकते। ये लिख के ले लीजिए, चाहे आप हजार वीडियो देखिए, चाहे लाख वीडियो देखिए। So, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ठान रखा है कि इस बार तो टॉपर बन के रहूंगा, सो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिए, और इस वीडियो में बताई गई इन तीन आदतों को आज से, अभी से और इसी वक्त से फॉलो करना स्टार्ट करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, टॉपर की आदतें नॉर्मल स्टूडेंट्स की आदतों से अलग होती हैं। जहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स की आदतों को फॉलो करना बड़ा आसान होता है, वहीं टॉपर स्टूडेंट्स अगर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके वो आदतें आपको टॉपर बनने में मदद करेंगी। जो सबसे पहली आदत है वो ये है कि खुद के बारे में सोचें और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जिनके पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, उनके बेटे या उनकी बेटियाँ इस वीडियो को नहीं देखेंगे। वे स्टूडेंट्स से इन वीडियोस को देखेंगे जिनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि उनके अंदर अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का एक जुनून है, उनको खुद के सपने को पूरा करने का जुनून है। वो ऐसा सपना देखते हैं कि एक दिन मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, उनको प्राउड फील कराऊँगा, तभी उसने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये पहली आदत अपने दिमाग में रोज टच कराते रहिए कि खुद के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे सोचना है, और वो जितने भी सपने देखते हैं उन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ। और इस वक्त उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र आपके लिए है पढ़ाई करना। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई कर जाएंगे तो दुनिया की किसी भी सपने को आप पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा सपना हो, चाहे वो कितना भी कॉस्टली जो है वो सामान क्यों ना हो। जो जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, ये ड्रीम है घर खरीदना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, सब आप पूरा कर सकते हैं। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, काबिल बनिए, सक्सेस पाइए, तभी ये सब पॉसिबल है। तो सबसे पहली आदत तो खुद के अंदर ये मोटिवेट करना है आपको कि मुझे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, सबसे ज़्यादा मेहनत करना है और सबसे अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। दूसरी आदत जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम टाइम में सबसे अच्छी तैयारी करने में मदद करेगी, वो ये है कि रोज़ 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के इस टाइमिंग को टोटल टाइमिंग के रूप में जोड़ते हैं कि सर मेरी 2 घंटे की कोचिंग क्लासेस है, उसके बाद 1 घंटे मैं घर पे आके पढ़ता हूँ, तो टोटल 3 घंटे तो हो ही गए। नहीं, इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी को काउंट नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे जो मैंने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप के साथ बैठ के पढ़ने वाला टाइम को गिना जाएगा। जैसे आपके अगर स्कूल 5 घंटे का है तो 5 घंटे का स्कूल, 2 घंटे का ट्यूशन क्लासेस, ये समय आपका काउंट नहीं होगा सेल्फ स्टडी में। इसको साइड करिए और इसके बाद जो आप पढ़ाई कर रहे हैं खुद के साथ बैठ के, कॉपी पेन और कोई भी नहीं है, वो है सेल्फ स्टडी, जिसमें आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से दिमाग लगा रहे हैं, वो है सेल्फ स्टडी। और वास्तव में वही आपको सबसे बेहतर तैयारी करवाएगा। उसी टाइम ड्यूरेशन में जो भी चीज़ आपने पढ़ा होगा वही एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग में फिट रहेगा, उसी चीज़ को फॉलो करके एग्ज़ाम्स की कॉपी आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो दूसरी आदत आज से, अभी से और इसी वक्त से स्टार्ट कर दीजिए कि रोज़ाना 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी स्टार्ट करिए। अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए पहले आदत लगाइए 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करने का। उसके बाद 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद फिर 3 से 4 घंटे की टाइमिंग आप बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद फिर 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
और तीसरी और सबसे बेहतर आदत यह है कि हमेशा टारगेट सेट करके पढ़ाई करना शुरू करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर बनना चाहते हैं ना, ये देखिए नॉर्मल पढ़ाई करने से तो कोई टॉपर बनने से रहा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं और आप अभी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह एवरेज स्टूडेंट्स की तरह पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स आप टॉपर नहीं बन सकते। जब तक आप टॉपर के माइंडसेट से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके अंदर टॉपर जैसी थिंकिंग नहीं आएगी, तब तक आप टॉपर बन ही नहीं सकते। और एक टॉपर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हमेशा एक टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है कि भाई आज मुझे ये चीज़ ख़त्म करना ही है, चाहे किसी भी हाल में करें, चाहे रात भर मुझे जगना पड़े, लेकिन ये चीज़ मुझे ख़त्म करके ही सोना है। तो जितना भी एक दिन का उसका टारगेट रहेगा वो सब फिनिश करेगा, तब जाके सोएगा। इसी तरीके से पूरे दिन भर का आप टारगेट सेट करिए कि इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर को तैयार करना है, उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर को तैयार करना है, और उस पूरे टारगेट को कम्प्लीट करके ही सोइए। और रोज़ाना के टारगेट को अगर आप कम्प्लीट करके सोएंगे तो नेक्स्ट डे आपको अलग टाइप की एनर्जी फील होगी, अलग टाइप का मोटिवेशन आपको मिलेगा एक अच्छी शुरुआत और अच्छे तरीके से करने के लिए। इसलिए इन तीन आदतों को अपनाइए और अपने एग्जाम्स में अच्छे तरीके से टॉपर बन जाइए। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।